आज हम पहुंच गए हैं एक कॉलेज में, जिस कॉलेज में पूरा एसओपी का सभी बच्चे पालन कर रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि डिस्टेंस भी मेंटेन किया है सभी बच्चों ने, जो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, मास्क भी यूज़ कर रहे हैं सभी बच्चे। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे, तो हम लोग उनको मिलना चाहते ताकि उनकी जो फेस क्या क्या चीज़ें सिनेरियो चल रहा है उनके कॉलेज में। तो हम लोग बात करने वाले पहले कि आपको जो ऑनलाइन क्लास हो चुकी है लॉकडाउन के समय पर, क्या इसका फ़ायदा हो चुका है, आपकी क्या मांग है, क्योंकि ये वीडियो हम लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुँचाने की, सभी बच्चे जितने भी बच्चे देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे ने ये वीडियो को ज़्यादा वायरल करना है, क्योंकि वायरल इसलिए करना है कि हम लोग ये वीडियो एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुँचना चाहते। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम गई आज तक? सर, हमारी जो है ऑनलाइन क्लास, तो कुछ बच्चे जो है रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास कभी मोबाइल नहीं होता है, तो कभी वो नेटवर्क नहीं होता है विलेज में, तो इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आपको क्या लगता है, तो मतलब जो प्रॉब्लम है ऑनलाइन एजुकेशन आपका अच्छी तरह से नहीं हो चुका है? नहीं सर। तो इसके ऊपर क्या ऑप्शन, क्या लगता है क्या करना चाहिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने? सर, तो सिलेबस थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए, और वो प्रैक्टिकल जो है उसके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। ओके, चलो तो हम लोग और भी कुछ स्टूडेंट से मिलना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास और एक स्टूडेंट है। देखो यहाँ पे सभी एसओपी का पालन कर रहे हैं, देखो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं बच्चे, ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ कॉलेज में बहुत सारे प्रैक्टिकल का भी इशू है, तो आपके प्रैक्टिकल हुए क्या? अच्छे, क्या आपको क्या लगता है प्रैक्टिकल के बारे में? जी सर, हमारे प्रैक्टिकल ऑनलाइन में हुए थे, बट अभी प्रैक्टिकल का प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि प्रैक्टिकल में ऑनलाइन में हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो एजुकेशन मिनिस्टर मैम से मैं विनती करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रैक्टिकल के जगह पे हमें असाइनमेंट देना चाहिए लिखने के लिए, ये मैं मिनिस्टर मैम से विनती करता हूँ। ओके, मतलब ये जो स्टूडेंट है उनका कहना है कि फिलहाल में प्रैक्टिकल नहीं हो चुके कॉलेज में, और उन्होंने जो प्रैक्टिकल हो चुके वो ऑनलाइन हो चुके। तो ऑनलाइन होने के कारण बच्चे को समझ में नहीं आया, क्योंकि हर कोई इंस्ट्रूमेंट हैंडल होना चाहिए। तो उनका कहना है कि अगर प्रैक्टिकल के इंस्टेंट पे अगर हम लोगों को जर्नल मिलता है या कुछ असाइनमेंट देते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और जल्दी से जल्द होना चाहिए ये चीज़ें। उसके बाद में और एक स्टूडेंट से मिलना चाहते हैं हम लोग कि आपको जो अभी फिलहाल में जो पढ़ाई कर रहे, कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, तो कॉलेज स्टार्ट होने के कारण बहुत सारे बच्चों को अभी पता है कि सिलेबस नहीं हो रहा है, तो ऐसे समय पे आपको सिलेबस के बारे में आप एजुकेशन मिनिस्टर को क्या मांग करना चाहते हो? सिलेबस रिड्यूस किया है, उसमें कोई पहले कंसेप्ट पे दूसरा कंसेप्ट डिपेंड करता है, तो पहला कंसेप्ट जरूर पढ़ना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैम से, सिलेबस के बारे में कुछ तो सोचो और हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचो, यही मांग है हमारी। मतलब उनका कहना है कि सिलेबस और रिड्यूस होना चाहिए, इसके पहले जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था उसका बच्चों को प्रॉपर वैसे उसका बेनिफिट नहीं हो चुका है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट को गायब कर दिया और एप्लीकेशन बेसिस पे है, करेक्ट है? तो उसको कम किया जाए, तो प्रॉपर वैसे जैसे कि कुछ चैप्टर को कम किया जाए, इनकी ऐसी मांग है। इसके अलावा और कोई स्टूडेंट है तो जो मांग, जैसे कि आप लोग अभी कॉलेज में आते हो तो आपको किस चीज़ों से सफरिंग करना पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग, बाकी है मास्क यूज़ करना, मेंटेन करना, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? क्लास में तो हम डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन वो अगर हम पहले टीचर लोग पढ़ाते थे तो हम डिस्कशन करते थे आपस में, हमें समझ में नहीं आता था तो फ्रेंड लोग समझा देते थे, अभी हम डिस्कशन भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें कुछ समझ में भी नहीं आता है, और उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और हमें कुछ समझ में नहीं आता है, और क्लास में भी अगर टीचर को कुछ पूछा था वो दूर से ही जवाब दे देते हैं, और समझ में मतलब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। ऑनलाइन क्लासेस की भी हमने ऑनलाइन क्लासेस के कभी नेटवर्क नहीं आया। मतलब आपका कहना है कि जैसे कुछ प्रैक्टिकल वर्क होता था, इस प्रैक्टिकल वर्क अभी नहीं कर पा रहे बच्चे, हम लोग देख पा रहे कि यहाँ पे बच्चों को बहुत सारे चीज़ों से सफरिंग करना पड़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, जैसे कि यहाँ पे बच्चे पहले डिस्कस करते थे, डिस्कशन बंद हो गया, लाइब्रेरीज बंद हो चुकी है, बहुत सारे चीज़ों से यहाँ पे बच्चे सफरिंग कर रहे हैं। ऐसे समय पे एजुकेशन मिनिस्टर से सभी बच्चे की दरख्वास्त कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ उनके लिए किया जाए ताकि बच्चों को एक राहत मिले, जैसे कि पहले सबसे पहले स्टूडेंट ने कहा है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल के बारे में कहा है कि प्रैक्टिकल नहीं हो चुके तो असाइनमेंट आना चाहिए। उसके बाद में कुछ बच्चे आदिवासी एरिया से बिलोंगिंग करते हैं, ऐसे बच्चे को यहाँ पे नेटवर्किंग फ़ोन का इशू था, इसलिए उनका नियर अबाउटली 10 महीने बहुत सारे वेस्टेज चले गए। उसके बाद में सिलेबस रिड्यूस करना चाहिए, तो 50% इंटरनल एक्सटर्नल अगर होता है तो बहुत सारी राहत इन बच्चों को मिल सकती है। तो हम लोग अभी
प्रॉब्लम से सफरिंग कर रहे हैं ऐसे टाइम पे हम लोग, आपको क्या लगता है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन हो चुका है इसके बारे में आपके कौन से इलाके से बिलोंगिंग करते हो और इस इलाके में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी आपको? सर हम धुले जिला से और सब रूरल एरिया से, तो हमारे जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए थे तब हमारे पास मोबाइल भी नहीं था, और जब मोबाइल थे तब हमारे नेट इशू था जिसके कारण हम ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए। और ठीक है, आपको क्या लगता है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस अच्छे नहीं हुए तो अभी एजुकेशन मिनिस्टर से क्या मांग करना चाहते हैं आप? जी सर, हमारे एग्जाम की डेट आ गई है तो हमारे 40% स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई, तो क्योंकि मार्च से मार्च तक मतलब करीब करीब एक साल का गैप हो चुका है, तब हमारे माता पिता भी कहते हैं कि अच्छे परसेंटेज आना चाहिए। अच्छा, मतलब उनका कहना है कि नियर अबाउटली 12 महीने तो नहीं लेकिन 10 महीने हो चुके हैं कि बहुत सारी सफरिंग करना पड़ रही है इन बच्चों को, तो ऐसे समय पे उनका कहना है कि हमारा सिलेबस कुछ ना कुछ रिड्यूस हो जाए, इंटरनल 50 मार्क एक्सटर्नल 50 मार्क, ये सभी बच्चे को मैंने डिस्कशन किया तो उनकी मांग है कि 50% इंटरनल मार्क को दिया जाए, 50% एक्सटर्नल मार्क, उसके अलावा प्रैक्टिकल के जगह पे जनरल या कुछ असाइनमेंट दिया जाए या क्वेश्चन बैंक दिया जाए ताकि बच्चों को और जल्द हो जाए, क्योंकि अभी पता है कि 23 अप्रैल से एग्जाम है, उसके पहले प्रैक्टिकल एग्जाम है, प्रैक्टिकल के एग्जाम पे टाइम पे पढ़ाई नहीं होती बच्चों को। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये आवाज़ एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाना चाहिए ताकि सभी बच्चों को एक राहत मिल सके। जैसे कि हम लोग देख रहे, देखो सभी स्टूडेंट को यहाँ पे मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेनिंग करना पड़ रही है, इसमें से आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग करना पड़ती है क्या? हमको बहुत डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस करना पड़ता है। ओके, मतलब वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ज़्यादा करना पड़ा एसओपी का, इसलिए बच्चे एक दूसरे से अच्छे खेल नहीं सकते या कुछ अदर चीज़ें नहीं कर सकते। अब जैसे कि यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट ये स्पोर्ट में आने से, अभी हमारे यहाँ पे ये स्पोर्ट बहुत ज़्यादा खेलते हैं बच्चे, लेकिन उनको भी स्पोर्ट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम जाती है, तो क्या प्रॉब्लम जाती है आप लोगों को? सर हम कोरोना की वजह से बाहर नहीं आ सकते, ग्राउंड पे खेल नहीं सकते बहुत ज़्यादा, फिर खेल नहीं सकते तो रूम में रहना पड़ता। जब मतलब ये जो स्टूडेंट है जो कंबाइन खेलते थे, ऐसे कंबाइन वाले खेल भी स्कूल वाले कॉलेज वाले नहीं लेते फिलहाल में, इस साल पूरा साल उनका जो गेम का पीरियड था वो खत्म हो चुका है, ऐसे बच्चे का भी बहुत सारा लॉस हो चुका है। प्रिंसिपल निखिल राठौड़ सर यहाँ पे जुड़े हैं, जो कॉलेज में फिलहाल में जो चालू है जैसे कि कुछ सिलेबस के बारे में है, जैसे कि जीके के सब्जेक्ट के बारे में है, अदरवाइज इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम है या क्वेश्चन बैंक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि बच्चे के मन में है, तो ऐसी ही सवाल हम कुछ अभी यहाँ पे प्रिंसिपल सर को पूछने जा रहे हैं। तो सर आपका क्या ख्याल है, जैसे कि आप अभी कॉलेज चला रहे हैं तो इसमें क्या क्या बच्चे सफरिंग कर रहे हैं थोड़ा सा बताना है आप? इसमें तो मैं पहली बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से ये कोरोना आया है तो कोरोना के वजह से जो ऑनलाइन का टीचिंग कुछ टीचर्स ने किया तो मेरे ख्याल से इतना कुछ खास रहा नहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ अभी स्कूल डिपार्टमेंट ने बताया है कि आने वाले कुछ दिनों में हम 10th और 12th के क्लासेस लेने एग्ज़ाम्स लेने वाले हैं, तो एग्ज़ाम्स मेरे ख्याल से उसमें इंटरनल मार्क्स थोड़ा सा 50% अगर स्कूल या कॉलेज के तरफ अगर देते हैं तो वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी थोड़ा सा फ़ायदेमंद रहेगा, और 50% अगर सिलेबस भी कम कर दिया है स्कूल डिपार्टमेंट ने तो वो भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद रह सकता है। सर जैसे कि सैनिक स्कूल में फिलहाल में जीके सब्जेक्ट चलता है, 50 मार्क की पासिंग है, उसके बारे में क्या रहा है आपकी, क्या करना चाहिए? हाँ, जीके जो सब्जेक्ट है तो वो पूरे मिलिट्री स्कूल में अभी महाराष्ट्र में जो है तो कुल मिलाकर 40 मिलिट्री स्कूल है, और इन सभी मिलिट्री स्कूल में जीके सब्जेक्ट ये पढ़ाया जाता है, तो ये जीके सब्जेक्ट का जो पासिंग है तो वो अदर सब्जेक्ट का जितना पासिंग है 35 मार्क्स का, तो वो 50% ना रख के 35% अगर कर दिया तो बहुत अच्छा रहेगा, और उसका भी जो भी उसका फ़ायदा होगा वो स्टूडेंट्स को जरूर होगा।
मतलब सर ने जैसे कहा है कि यहाँ पे 50% जो मार्क है, मतलब 50 मार्क लगते हैं पासिंग होने के लिए, और जीके सब्जेक्ट है बड़ो तो वाट सब्जेक्ट है, जस्ट लाइक एमपीसी लेवल का पेपर है, तो इस सब्जेक्ट को पास होने के लिए 50 मार्क लगते हैं विदाउट प्रैक्टिकल। तो आप सोच सकते हो कि 50 मार्क प्रैक्टिकल के ना देते हुए अगर पास कर रहे तो बच्चे को बहुत सारा सफरिंग करना पड़ता है। तो ऐसे समय पर इनकी मांग है सर की कि आपको एक तो प्रैक्टिकल दिया जाए, अगर प्रैक्टिकल नहीं देते तो 35 मार्क की पासिंग रखी जाए, यही कहना था। तो इसके अलावा सर जैसे कि अभी अभी कॉलेज आ गए बच्चे, तो बहुत सारा एसओपी का यहाँ पे पालन करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ रहा है इस फिलहाल में? ऐसे समय में तो काफ़ी जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है, अभी तो 10th और 12th के स्टूडेंट्स ही अपन क्लासेस शुरू उनके कर लिए हैं, तो हफ्ते में से 2-3 बार तो उनका हॉस्टल जो है वो हॉस्टल सैनिटाइज करना पड़ता है, क्लासरूम जो है क्लासरूम भी सैनिटाइज करना पड़ता है, और सभी बच्चों को स्टूडेंट्स को मास्क और हैंड सैनिटाइज़र कंपलसरी अपन ने किया है, और काफ़ी अच्छी तरीके से अपन उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो हमारे साथ अभी जो प्रिंसिपल सर निखिल जी राठौर सर कनेक्ट हो चुके थे, उन्होंने जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आ रही उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया है। तो हम लोग चाहते कि एजुकेशन मिनिस्टर को यही मैसेज पहुंचना चाहते इस वीडियो के माध्यम से कि पहले सबसे पहले 50% इंटरनल एक्सटर्नल मार्क के ऐसे एग्जाम रखे जाए, दूसरी बात है कि क्वेश्चन पेपर जो है जो सैम्पल पेपर वो मिला बच्चों को तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। उसके अलावा जो एग्जाम है पेपर में जो गैप होता है 2-3 दिन का गैप होना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेट पेपर रहा तो बच्चे का एक दिन पढ़ाई हो सकती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो बच्चे ने भी अभी बताया है वो क्वेश्चन के ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ सोचना चाहिए। और क्या बोलना चाहते सर? जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि CBSE के जो क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट से छुड़ाए जाते हैं, वैसा अगर अपने स्टेट बोर्ड ने किया या स्कूल डिपार्टमेंट ने किया कि कुछ क्वेश्चन बैंक देकर स्टूडेंट से उसका अगर प्रैक्टिस करवाया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, उसका भी फायदा स्टूडेंट को हो सकता है। मतलब क्वेश्चन बैंक HSC बोर्ड ने, हमारे जो महाराष्ट्र बोर्ड है उन्होंने प्रोवाइड करना चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों को मतलब जो भी हमारे जो स्टूडेंट थे या प्रिंसिपल थे उन्होंने जो आवाज़ पहुँचाने का काम कर रहे हैं, हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर के तरफ इसलिए कर रहे हैं कि इस साल कोरोना के कारण बहुत सारे बच्चों का लॉस हो चुका है। कुछ बच्चे आदिवासी बच्चे, वो बच्चे वहाँ पे नेटवर्किंग का फ़ोन का इशू आता है, तो ऐसे बच्चे के लिए भी कुछ सिलेबस कम किया जाए तो बहुत बड़ा बच्चे को हेल्प हो सकती है। थैंक यू। नमस्कार, मैं तेजस केचे, वर्ग 12वीचा विद्यार्थी। आता आमचे पण ऑफलाईन क्लासेस चालू झाले होते, थोडी लिंक लागली होती, बघता ते कोरोनाचे पेशंट वाढले आणि आमचे पण क्लासेस ऑनलाईन शिफ्ट झाले। तर ऑनलाईन क्लासेसचं फायदा तर आम्हाला एप्रिल महिन्यापासून काहीच झाला नाही, किंवा कोण नाही म्हणजे महाराष्ट्रातील कोणत्याही मुलाला 10वी किंवा 12वी जो आता बोर्ड एक्झाम देणार आहे त्याला काहीच फायदा झाला नाही ऑनलाईन क्लासेसचा। आणि माझं पण असंच आहे की बोर्ड एक्झामचं तुम्ही तारीख फायनल केलं आहे, फायनल डिसिजन दिला, आताच्या ह्याच हप्त्यात खूप हे चाललं ऑनलाईन एक्झाम असं तसं, न्यूजकडून खूप न्यूज ऐकायला येत होत्या, आमची मनस्थिती पूर्ण अशी खराब झाली की काय कसं होईन, इतक्या दिवस ऑनलाईन क्लासेस गेले घेतले पण एक्झाम ऑफलाईन आहे, ऑनलाईनमध्ये काही समजलं नाही, सिलेबस तुम्ही 25% रिड्यूस केला, काय केला, कुठं केला, कसा केला, जे ज्या कन्सेप्ट म्हणजे एखादा कन्सेप्ट आहे त्याशी रिलेटेड तुम्ही टॉपिक म्हणजे त्याशीच रिलेटेड तुम्ही टॉपिक रिमूव्ह केले म्हणून तरी तो टॉपिक जो रिमूव्ह केलेला आहे तो शिकावाच लागते, कारण त्याशीच रिलेटेड पुढचं डेरिवेशन आहे, पुढचा कन्सेप्ट आहे किंवा पुढची रिॲक्शन आहे किंवा पुढचं प्रॉब्लेम आहे, तर तो पण कन्सेप्ट आम्हाला शिकावाच लागून राहिला। आणि तुम्ही बोर्ड एक्झामच्या तारीख म्हणजे तारीख हा 23 पासून 12th आणि 29 पासून 10वीची एक्झाम म्हणजे 10th एक्झाम घ्या अशा म्हणजे तारीख तुम्ही फिक्स केल्या, तुम्ही म्हणजे विद्यार्थ्यांचा विचार केला नाही की विद्यार्थ्यांचा किती कितपत अभ्यास झाला ऑनलाईनमध्ये, कितपत समजलं, कोणाला म्हणजे काय कसं, कोणत्या एरियामध्ये ऑनलाईन क्लासेस झाले, कुठं नाही झाले, कुठं काय कस झालं, तर आमच्याच इच्छी म्हणजे आमचीच गोष्ट एप्रिल महिन्यापासून ऑनलाईन क्लासेस स्टार्ट झाले। ऑनलाईन क्लासेस टीचर लोकांनी चांगल्याने शिकवलं पण ऑनलाईन क्लासेसमध्ये समजलं काहीच नाही,
तर आम्हाले का म्हणजे आम्हाला काही समजलंच नाही, म्हणजे एक एखादा टॉपिकच नाही समजला, प्रॉब्लेमच नाही समजलं, तर त्याचा आम्ही अभ्यास कसा करू? रट्टा मारू तर मारू किती, पाठ किती करू? तर आमची अशीच मागणी आहे बोर्ड्सकडे किंवा एज्युकेशन मिनिस्टर श्री सौ वर्षा गायकवाड मॅडमकडे की 50-50% म्हणजे 50% सिलॅबस रिड्यूस करा, 50% जे जे इम्पॉर्टन्स चॅप्टर आहे ते ठेवा, चॅप्टरचे चॅप्टर उडवा, असे चॅप्टरमधले काही कंटेंट उडवू नका, चॅप्टरचे चॅप्टर उडवा, किंवा शेवटले एक दोन चॅप्टर म्हणजे किंवा फिजिक्समधले जे लिस्ट इम्पॉर्टंट, केमिस्ट्रीतले मॅथमॅटिक्समधले जे लिस्ट इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे त्याला थोडं कमी इम्पॉर्टन्स आहे पुढच्या दृष्टीनं, ते उडवून टाका. 50-50% करा. इंटरनल म्हणजे 50 मार्क्सचा पेपर घ्या, 50 मार्क्स म्हणजे थिरॉटिकल आणि 50 मार्क्स असे प्रॅक्टिकलचे द्या. आणि सेल्फ सेंटर म्हणजे जर मी माझ्या शाळेत म्हणजे माझ्याच शाळेत मला परीक्षा देता यावी ते बघा. जर ऑनलाईन जर होत असेल तर ऑनलाईनचं बघा, कारण ऑफलाईन म्हणजे एज्युकेशन जर ऑनलाईन झालं तर परीक्षा ऑनलाईन घ्यायला तुम्हाला काही हरकत नाही, कारण तुम्ही बोर्डच्या परीक्षेवर कुठल्याही पुढच्या ॲडमिशन देत नाही, कारण इंजिनिअरिंगच्या ॲडमिशन आहे त्या सी ई टीवर आणि जेईच्या याच्यावर होता, किंवा ज्या बाकीच्या फार्मसी किंवा मेडिकलच्या ॲडमिशन आहे त्या तुम्ही सी ई टीच्या पी सी बी ऑर नीटच्या याच्यावर देता, तर मग बोर्डला बॉ इतकं इम्पॉर्टन्स का? तर तुम्ही बोर्ड्स बॉ एकदम घाई का म्हणजे एकदम घाई का करत आहे की बोर्ड्स घ्यावीच घ्यावीच घ्यावी आणि ऑफलाईनच घ्यावी? जर एज्युकेशन जर ऑनलाईन घेतलं तुम्ही तर आमची परीक्षा पण ऑनलाईन व्हावी. 50% जर तुम्ही ऑफलाईन घेत असेल तर 50% सिलॅबस रिड्यूस व्हावा, 50% इंटरनलचे मार्क द्यावे, 50 मार्क्सचा थेरॉटिकल पेपर, पेपर पॅटर्न थोडा चेंज करा, पेपर थोडा इझी द्यावा, आणि अशी क्वेश्चन बँक प्रोव्हाइड करा की त्या रेफरन्सवरून आम्हाला अभ्यास करता येईल, जे थोडं बर्डन कमी होईल आणि थोडं विद्यार्थ्यांना म्हणजे सवलत पण मिळेल का आपण याच्यावरून सफिशियंट मार्क घेऊ शकतो. आणि सी ई टी थोडी पोस्टपॉन करून द्या, बोर्ड्सपासून तरी 1.5 महिने, एखाद्या महिन्यावर सी ई टी होते तर एका महिन्यात जागी 1.5-2 महिन्यावर सी ई टी ठेवा, जे तोपर्यंत आम्ही थोडंसं जास्त प्रिपरेशन करा. आणि सी ई टीसाठी पण थोडे इझी क्वेश्चन्स द्या, त्यावरून म्हणजे म्हणजे आमचं ज्या रँकचं एज्युकेशन झालं आहे म्हणजे ज्या प्रकारचं एज्युकेशन झालं आहे जे किती समजलं किती नाही त्या हिशोबाने तुम्ही म्हणजे ऑनलाईन म्हणजे एक्झाम कंडक्ट करा, अशीच मागणी करतो आणि थांबतो. धन्यवाद.